तो गाइस मम्मी गई है वॉशरूम में और मैं मम्मी को प्रैंक करने वाला हूँ। ये अलमारी है, इसके अंदर मैं छुपने वाला हूँ। एज यू कैन सी भाई जो है सुबह सुबह ही अपना लगेज लेके एयरपोर्ट पे है, और ये सिंगापुर का एयरपोर्ट नहीं है, ये मुंबई का एयरपोर्ट है। मुझे सुबह सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ के मुंबई आना पड़ा ड्यू टू एमरजेंसी। और सीन कुछ ऐसा हो गया था कि आज से 1.5-2 महीने पहले मैंने किसी को कुछ काम के लिए कमिट कर दिया था और फिर मैं वो भूल गया, और फिर हम ये फैमिली ट्रिप पे आ गए और फिर उनका फ़ोन आया कि भाई आपको आना है। एंड आई वॉज लाइक भाई मैं तो सिंगापुर में हूँ। देन देवर लाइक भाई तुम्हें आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम नहीं आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उनको पहले तो बोल दिया था कि नहीं आ सकता मैं, फैमिली ट्रिप है, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद जब बोला कि भाई उनका काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि भाई वर्क कमिटमेंट मैंने ही दी थी और मैं एक प्रोफेशनल हूँ यू नो। तो मेरे फिर पापा मम्मी ने भी बोला कि तू जा। तो सुबह सुबह 4:30-5 बजे की फ्लाइट पकड़ के भाई जो है मुंबई आ गया। ऑल राइट गाइस, तो आज है हमारा आखिरी दिन, और आखिरी दिन के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुका हूँ भाई, यहाँ पर आखिरी दिन नहीं भाई, यहाँ पर आखिरी दिन। हाँ, मतलब सिंगापुर में आखिरी दिन। मम्मी कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? क्या आखिरी दिन है? घूमने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं पापा आज? आज हम जा रहे हैं सिटी टूर और उसके बाद जाएंगे आर्ट एंड साइंस म्यूजियम। देख रहे हो, अगर मैं मतलब दोस्तों यारों के साथ या अकेले आता हूँ तो मैं कहाँ घूमता हूँ? क्लब, कैसीनो, बीचेस। मम्मी पापा के साथ आता हूँ तो मैं कहाँ घूमता हूँ? आर्ट एंड साइंस म्यूजियम, एक्वेरियम। देख रहे हो कितना 5-6 दिन से कितना, वैसे तो मैं गुड बॉय हूँ बट मम्मी पापा के साथ घूमने में आई एम एक्स्ट्रा गुड बॉय। हम 11 बजे घर आ जाते हैं, रूम में आके सो जाते हैं, सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए उठाते हैं पापा, उसके बाद 9 बजे पापा ब्रेकफास्ट करवाते हैं। वाह वाह वाह, अच्छा लाइफ स्टाइल तुम्हें बता रहे हैं। वो कहते हैं सादगी, वो सादा जीवन, उच्च विचार। वाह वाह वाह, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट। तो अब हम आ गए हम अपने पहले स्पॉट पे, और स्पॉट समझ नहीं आ रहा, ये तो रोड ही लग रही है मेरे को। ये बिल्डिंगें हैं और मम्मी है यहाँ पर, और क्या कहना चाहेंगे? मम्मी तो हमेशा ही है यहाँ। ये देखो कि क्या है, मलयन पार्क। कौन सा पार्क? मलयन पार्क। हम आ गए हैं मलयन पार्क। मलयन पार्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब सिंगापुर एक्चुअली फाउंड हुआ था, अभी हम कहानी सुन रहे थे, तो सिंगापुर, तो सिंगा मतलब लायन और पुर मतलब टेंपल, तो लायन टेंपल। देखें थोड़ी सिंगापुर हिस्ट्री। तो रो 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 भाई, हर जगह शॉपिंग है और हम कुछ करते नहीं शॉपिंग। बताओ, हम तो वही कपड़े पहन लेते हैं जो हमने 2 साल पहले पहने थे। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, सिंगापुर में ये हमारे को घुमाने ले आते हैं कहीं भी, पर वो हम पहुंचते वहीं पर हैं उसी सर्कल के बीच में। जैसे आप देखो वो रहा मरीना बे सैंड्स, अब हम पहले उसके आगे थे, अब हम मरीना बे सैंड्स के पीछे हैं। और ये है मैरिलिन पार्क शेर, ये हमारी शेरनी, और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इनकी फ़ोटो खींच रहा हूँ, बट आपका ब्लॉग बन रहा है। Congrats. हम खड़े हो गए हैं पोज करने। ये तो भाई पूरी मतलब सिंगापुर में कहीं ना कहीं जाके खड़े हो जाते हैं, अरे मेरी फोटो खींच दे, खींच लो भाई, कितनी खींचूं भाई। लो भाई एक और खींच लेता हूँ, लो दूंगा नहीं एक भी फोटो। पार्क से निकल के अब हम आए हैं बुद्धा टेंपल। सिंगापुर में बहुत ही फेमस चाइनीज टेंपल है, तो अभी वही देखने आए हैं। लेकिन बारिश यहाँ कुछ पता नहीं चलता, कब बारिश हो जाती है कब ठीक हो जाता है, बहुत ही तेज बारिश हो रही है। हम बुद्धा टेंपल से बाहर आ चुके हैं, अब हम घूम रहे हैं चाइना मार्केट। और ये देखो ये है रॉयल एट द चाइना टाउन। और मैं मम्मी को बोला, मम्मी यहाँ पर तो डोसे वोसे मिल रहे हैं, डोसे डोसे खा ले, बट फिर हमने अभी ब्रेकफास्ट करा था तो खाने का मन नहीं कर रहा। बट ब्रो फर्स्ट टाइम सिंगापुर में डोसा भी दिख गया। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मम्मी सरोजनी आ गया। अभी चाइना टाउन है, इसके बाद हम जाने वाले हैं लिटिल इंडिया। तो मतलब ऐसे सिंगापुर में छोटे छोटे वो अलग अलग देशों की जगह बना रखी है। फ्यूचर वर्ल्ड वेयर आर्ट मीट्स साइंस।
आपको यहाँ पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कह रहे दरवाजा उधर लग रहा है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? सच में पंछी उड़ रहे हैं, ये देख तितलियाँ उड़ रही हैं। बैठ यहाँ पे, कलरिंग सीख, यहाँ कलर सिखा रहे, कलर कैसे करते हैं। अगर कलर कर दिया तो NFT बन जाएगी। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो ये चल रहे हैं, चल रहे हैं। अरे ये बच्चों को बोलो मुझे खेलने देंगे। देखते हैं कितने मार्क्स मिलते हैं। इसने कलर करा है वो यहाँ पे फ्लैश होता है। वो देखो वो क्या अपना काला ड्रैगन डिम्पी है। ये देखो ये वाला काला वाला, ये जो ब्लैक वाला बीच में घूम रहा है, काला ब्लैक वाला, वो घूम गया, वो घूम गया। तो बाकियों के देख कितने सुंदर है। अबे अपना सबसे डिफरेंट है क्योंकि किसी ने काला कलर नहीं करा ना। करो। अरे भाई लाते थोड़ा हनी है। क्यों? पहले उंगली में फ्रैक्चर हो रखी है, अब टांगे भी फ्रैक्चर हो जाएंगे। नहीं फ्रैक्चर देखो वो कर तो रहा है। खतरों के खिलाड़ी में जा सकता है वो, तू परफेक्ट है। आजा आजा इधर से आजा। ये तो दिवाली की लाइटिंग हो रही है। मैं जहाँ जाता हूँ मैं दिवाली बनाता हूँ, पर असली दिवाली पता कब बनेगी? 22 जनवरी को। जय श्री राम, जय श्री राम। म्यूजियम से निकलने के बाद मलन साहब हो गया नाराज क्योंकि वो कह रहे हैं कि चलते हैं होटल, और हम कह रहे हैं अभी हमने घूमना है। लड़ रहे हैं, लड़। He's fighting। वो देखो आगे देखो कितनी चल रहे हैं, कितना आगे आगे चल रहे हैं वो। ऐसे ऐसे सूच गया से देखो। मैं कहा भाई कोई कुछ घूम लो, मॉल वॉल शॉपिंग, रूम में चलो। मैंने कहा क्यों? कह रहे स्विमिंग करो। 3:30 बजे से रात तक 12 बजे तक स्विमिंग करो। हम कह रहे हैं आज लास्ट डे है सिंगापुर में, थोड़ा घूम लेते हैं। दो दिन से तो इतना जोश दिखा रहे थे। अरे लास्ट दिन है, लास्ट दिन में तो कुछ नया करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। हाँ। कोई कैफे चल लो, कोई बैठ जाओ शॉपिंग कर लो, कुछ ले लो, पर नहीं भाई वो डिफरेंट ही तो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चलते हैं, कह रहे हैं भाई रूम में चलो। चले रूम में चले। अरे नहीं भैया जहाँ जाना तुम जाओ। होटल जाके आपने W में वो खजाना ढूंढना है ना। मैंने रेस्ट करना और कुछ नहीं करना। खजाना ढूंढना है इन्होंने। तो ऐसे हाथ जोड़ ले भाई जैसे बापू गए। मलन साहब नाराज होके वो खड़े हो गए, कह रहे तुम घूमो मैं तो यहीं खड़ा हूँ। मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ नहीं घूम पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। मम्मी ने बोला मुझे बेली देखनी है, मैंने कहा चलो चलते हैं। शनैल शनू ले गए, वो बेली उठाई, पापा ने दिए थे $1500। बेली उठाई $1500 की। अब मैं हिसाब लगाया तो देखा 1.25 लाख की बैली, 1.25 लाख की एक चप्पल। मैं मेरे पूरा आउटफिट देखो, 2500, 1800, 2000 और 150, 6000 का मेरा आउटफिट नहीं आया। ये नहीं बताना था। मैं कह रहा हूँ मेरा पूरा आउटफिट 7000 का नहीं, और अब 1.5 लाख रुपए की चप्पल देख रहे थे। आई स्वेयर। तभी तो तुम लोग कहते हो कि आपको क्या मिलता है ऐसे। मैंने कहा विंडो शॉपिंग करके दिल को तसल्ली मिलती है और कुछ। सुनो पापा इज राइट, हमें होटल जाना। पूरा मॉल हमने घूम लिया, विंडो शॉपिंग कर रहे थे हम, लेकिन मलन साहब हमें मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। और हम क्या करें? ओ मम्मी डैडी घूम गए, डैडी घूम गए, डैडी को ढूंढो। ओ डैडी घूम गए। अब दिक्कत पता क्या है, डैडी को अगर कॉल करा कहाँ पर हो तो और गाली खा हुआ। अब तो मैं फंस गया हूँ भाई साहब, पूरा मॉल घूम घूम के थक गए पैदल चल चल के। बड़ी मुश्किल से ये मिले हैं। लिया क्या? ये लिया आपने? पति लिया। पति भी खुश नहीं है? वो भी खुश नहीं भाई। गॉड ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। हेलो हेलो हेलो, हम आपको ढूंढते ढूंढते पता थक गए। मैं तो जहाँ छोड़ के गए वहीं खड़ा हुआ। इतना क्या करा आपने यहाँ पर रुक के? हाँ, मेरी मर्जी, मैं सैर करके आया हूँ। तो सैर भी हमने तो पूरे मॉल में सैर ही करी है। इतनी होती थी। ज्यादा भी नहीं होती मेरे से। फाइनली अब हम आ गए हैं होटल में। अब बस ये लास्ट डे है, पैकअप वैकअप चल रहा है, और यार थक भी बहुत ज्यादा गए। 5 दिन से चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। आई स्वेयर मेरे को भी ऐसा लग रहा है चक्कर आने वाले हैं। घूम गया है पूरा,
और हाँ, मैंने मिस्ट्री बॉक्स वीडियो डाली अपने चैनल पे, और मैं मम्मी से वही बात कर रहा था कि ना मतलब ऐसे तो 2 महीने बाद डाली है, बट आप लोगों को पसंद है मिस्ट्री बॉक्स देखना, बट मेरे को है यूट्यूब, जब मैं वीडियोज बनाता ना, मुझे पसंद नहीं मिस्ट्री बॉक्स इतना बनाना, क्यों? क्योंकि मैं को ना हमेशा कुछ नया नया करना ज़्यादा पसंद है, बट तुम लोगों की इतनी डिमांड आती है बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। बट जो हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, 40 दिन से हम लगे होते हैं, जो तुम लोग कह रहे थे रेगुलर वीडियोस क्यों आ रहे, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत थी, बट मेरे को ये था आई वॉन्ट टू मेक दैट पॉसिबल। एंड अभी मेरी एडिटर से बात हो रही थी सिंगापुर में भी, आके उस वीडियो पे काम चल रहा है एडिटिंग पे, और कुछ दिन और फिर मैं आपको उसका टीजर दिखाऊंगा और मज़ा आने वाला है। तब तक तुम सिंगापुर के व्लॉग्स इन्जॉय करो, और ये देखो यहाँ पर जो रूम्स है ना भाई, रूम्स के अंदर भी तुम देखो पूल बना रखे हैं भाई, मतलब प्लंज पूल वाले भी हैं। तो अगली बार सेंटोसा आओ, W रिकमेंडेड है, बहुत बढ़िया, बट इसका प्लंज पूल वाले रूम लेंगे। अब मैंने पापा को बोला कि चलो आप आओ, आप भी हमारे को पूल में ले चलो, तो चले लाला जी, यहाँ तो पूल चल लो यार, मेरी नहीं तबीयत, मेरे को रेस्ट करना तो। ओके, तो वहाँ तो हम कुछ खा के नहीं आए थे, लेकिन भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने होटल के रूम में मंगवाया खाना। देखो क्या आया है, पिज़्ज़ा, सैलेड, फ्रेंच फ्राइज। आजा अब खाना खा ले। आ गया बेबी। हाँ, तेरे लिए सिर्फ ये सैलेड है, ओनली दिस पिज़्ज़ा सिर्फ मेरे लिए। पिज़्ज़ा मैंने स्पेशली आपके लिए बनवाया, आपको हाँ। मार्गरिटा नहीं पसंद था, तो मैंने कहा मेरी जान, मेरी मम्मी के लिए ये वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा। हाँ हाँ हाँ। तो गाइस मम्मी का ये वॉशरूम में, और मैं मम्मी को प्रैंक करने वाला हूँ। ये अलमारी है, इसके अंदर मैं छुपने वाला हूँ। डर गई मम्मी, डर गई मम्मी, डर गई पम पड़म पम पम पड़म पम। देख रहे थे ना कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मैं देख रही हूँ ना अब्बू है यहाँ पे, ना मेरा फोन है यहाँ पे, कहाँ चला गया कहाँ चला, मैंने सोचा बाहर गया होएगा, मैं बाहर जाने लगी थी और देखो मैं कहाँ निकला, मैं कहीं भी छुप सकता हूँ। आई हिड इन सिंगापुर्स अलमीरा टू प्रैंक माई मम्मी, मम्मी मम्मी आई एम डॉन, I can do anything, I'll buy you anything. अच्छा अभी मैं किसी की ना इंस्टाग्राम पोस्ट भी देख रहा था, अभिषेक ऑन इंस्टाग्राम, एकदम स्टाइल मारता हुआ आगे चलता हुआ, स्मार्ट स्मार्ट फोटोज डालता हुआ, और अभिषेक ऑन यूट्यूब, हॉले हॉले साजना धीरे धीरे बाल मा, ओ हो। तो गाइस 5 दिन बाद 6ठा दिन है, वैसे ये रात लग रही है, सुबह के 6 बज चुके हैं, एंड हम जा रहे हैं दिल्ली वापसी, क्योंकि हमसे रहा नहीं गया नोनू के बिना, हमने कहा नोनू के साथ ही घूमेंगे, ठीक है पापा? Yes. पापा ने वैसे कल भी नहीं घुमाया, पर अभी खुशी से ये है क्योंकि दिल्ली जाना कल सॉरी आज, अभी बोल दो मम्मी फिर बाय बाय, बाय बाय सिंगापुर, बाय सिंगापुर, मिलते हैं आपसे अब वैसे थोड़े सालों बाद ही मिलेंगे, अगर मिलेंगे चलो बाय। सो फाइनली 5 दिन के बाद, वैसे तो 6ठा दिन भी लग गया, आज पूरा दिन फ्लाइट में ही लग गया क्योंकि बहुत लेट थी हमारी फ्लाइट, और पहुंच गए हम दिल्ली बैक टू होम, और बहुत इंजॉय करा हमने, बहुत मज़ा आया, वहाँ पे एसी चल रहे थे और यहाँ पे तो ठंडी बहुत है। ठीक है ठीक है, बाय बाय।